हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एक्स अंसारी। तो गाइस, लंच की, डिनर की और नए नए रेस्टोरेंट्स की, कैफे की, तो हम आपको वीडियो हमेशा दिखाते हैं, इंशाल्लाह आइंदा हमेशा दिखाएंगे। लेकिन आज हम अपनी नींद की कुर्बानी देकर सुबह 6:30 बजे पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद मटिया मेल के इलाके में आए हैं, और यहाँ पे सुबह क्या मिलता है नाश्ते में वो दिखाने के लिए। लोग सुबह के 6:30 बज रहे हैं, आप टाइम देख सकते हैं यहाँ पर, और रौनक देखिए इलाके के अंदर। इस हाजी टी पॉइंट के नाम से ये शॉप है, और यहाँ पे मिलती है सुबह 5 बजे से पूरी, हलवा, चाय, 3 या 4 किस्म की चाय और ऑमलेट वगैरह। तो गाइस, हमारे साथ हैं भाई, क्या नाम है आपका? विक्रम। विक्रम भाई, विक्रम भाई, पूरियाँ सुबह कितने बजे से बनाने शुरू करते हो? 4:30 बजे भाई। 4:30 बजे खुल जाता है ये वाला जिनका नाश्ते का पॉइंट, और पूरी हलवा वगैरह होता है। किस हिसाब से पूरियाँ हैं? 50 की हलवा सब्जी पूरी भाई, 50 रुपए की 4 पूरियां हैं, हलवा उसके साथ फ्री है। और अंदर का आपको, अंदर का हम एम्बियंस दिखाते हैं, डेकोरेशन दिखाते हैं किस तरह के, और कितनी भीड़ लगी हुई है सुबह 6:30 बजे के टाइम पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हलवे का थाल, हलवा कितना मजे का लग रहा है, इसमें रौनकदार माशाल्लाह। अंदर ज्यादा माशाल्लाह बिल्कुल ही एक रौनक लगी हुई है, भीड़ बहुत ज्यादा है। तो गाय जी, हमारा ऑर्डर उन्होंने हाथ से पकड़ा दिया है, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। ये जो हलवा है ये हमारे संजय भाई बनाते हैं, और ये जो पूरी और सब्जी है ये हमारे, क्या नाम बताया था भाई? विक्रम भाई बनाते हैं। तो गाय जी, हमने पूरियां रख दी अपनी स्कूटी के ऊपर, और पूरियों का साइज देखिए, 50 रुपए के अंदर 4 पूरियां हैं, हलवा फ्री है। 1965 से यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं, कौम की, खिला खिला के सुबह का नाश्ता बना रहे हैं। तो गाइस, अपनी पूरियों का नाश्ता मैं स्टार्ट करता हूँ अब। अभी गर्मी का मौसम पूरा आया नहीं है, सुबह शाम की ठंड रह गई, अब थोड़ी थोड़ी सी ठंडी हवाएं चल रही हैं। पूरी का टेस्ट बहुत मज़े का है, तरकारी के अंदर जो मसाले मिले हुए हैं एकदम बैलेंस मसाले हैं, और हलवा टेस्ट करके बता दूंगा इधर मैं आपको। हलवा ही बहुत मज़े का है। जैसा कि गाइस आप लोग जानते हैं कि पुरानी दिल्ली के किसी ना किसी कोने के ऊपर कोई ना कोई टैलेंट छुपा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा मज़े का खाना बनाता है, तो कोई पूरी रात अपना रेस्टोरेंट चलाता है। हाजी टी पॉइंट, इन लोगों का कहना यह है कि ये शॉप बंद ही नहीं होती, रात को देर तक तो खुलती है, सुबह 4 बजे से ये लोग फिर अपने शॉप खोल लेते हैं पूरी सब्जी वगैरह बनाने के लिए, और 5 बजे से यहाँ पे सर्विंग स्टार्ट हो जाती है। तो गाइस, हलवा सब्जी पूरी का हमने ले लिया मज़ा। अब ये हमारे भाई साहब ही रहे जो बहुत मज़े की चाय बनाते हैं यहाँ पे, इनसे हम बोलते हैं दूध पत्ती वाली चाय के लिए। दूध पत्ती वाली चाय बहुत इंडिया की बहुत फेमस है, तो साबिर भाई एक चाय हमारी दूध पत्ती वाली लगेगी। तो गाइज, ये आ गई हमारी चाय, और मेरे पीछे बिल्कुल एक नंबर गेट जामा मस्जिद का, और थोड़ा सा उजाला हो गया है सुबह सुबह का। चाय का बताता हूँ मैं आपको, चाय इन्होंने कैसी बनाई है, ये मलाई वाली चाय। चाय इन्होंने स्ट्रॉन्ग बना के दी है, चाय पत्ती वाली, दूध पत्ती वाली जो उन्होंने बताई थी। तो गाइज, तकरीबन 15-17 साल से तो मैं इनसे पूरियाँ लेके जाता हूँ। जनरली कभी ऐसा होता है कि रात को देर से सोए तो सुबह उठे 1 घंटे के बाद 5:30 बजे के आसपास आए इनकी पूरियाँ ली, 50 रुपए के अंदर। अब तो खैर रेट बढ़ गए, पहले कम थे, अब आज के टाइम में 50 रुपए की 4 पूरियाँ, सब्जी और हलवा फ्री। बिल्कुल फेमस अल जवाहर रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने है इनका हाजी टी पॉइंट। तो गाइज, अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।